Aptas. Reach Ayurveda to age. My love for Charaka. The first ever national level video contest on behalf of Charaka Jayanti 2020. Presented by Team Aptas. Namaste. My love for Charaka. महर्षि चरक एक महान आयुर्वेदाचार्य थे। इनके नाम का अर्थ चरक मतलब चलाना। वो जगह जगह घूमकर सामान्य जन का उपचार करते थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता है, जो कि आज भी चिकित्सा शास्त्र से जुड़ा सबसे पुराना और प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। चरक संहिता पूर्ण त्रिसूत्र के रूप में है, दैट इज हेतु लिंग औषध। चरक संहिता में इंद्रिय स्थान का विशेष योगदान है। महर्षि चरक की वजह से हमें त्रिदोष वात पित्त कफ के बारे में पता चला। चरक संहिता की वजह से मुझे पता चला कि चिकित्सक के लिए ज्ञानी और बुद्धिमान ही होना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसे दयावान तथा सदाचारी भी होना चाहिए और प्राणी मात्र से मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए। और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो कहते हैं बीमारी से बचना महत्वपूर्ण है, न कि उसका इलाज करना। आचार्य चरक की वजह से हमें शरीर के भिन्न भिन्न भागों का विस्तार से वर्णन पता चला। महर्षि चरक चरक संहिता के वजह से हमें सुखी जीवन हेतु शरीर और मन को स्वस्थ रखने और उचित आहार द्वारा प्रसन्नता लाने की बातें हमें पता चली और आलस्य के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में हमें पता चला। चरक संहिता से हमें चिकित्सालय से निर्माण चिकित्सालय के समय बरतारी जाने वाली सावधानियों का उत्पन्न की जाने वाली व्यवस्था के बारे में विस्तार से पता चला। चरक संहिता से हमें आहार विहार पथ्य अपथ्य शारीरिक और मानसिक रोगों की चिकित्सा का ज्ञान मिला और पौष्टिक भोजन पाचन प्रक्रिया मानव शरीर की रचना का ज्ञान मिला। दूषित अन्न दूषित जल दूषित वायु मच्छर चींटियां मक्खियों चूहों के प्रभाव का महत्व पता चला। महामारियों की उत्पत्ति का एवं फैलने के कारणों का तथा प्रभावों की जानकारी का पता चला। चरक संहिता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसे उस काल की चिकित्सा का ज्ञान मिला। मेरा यही कहना है कि आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान लेने के लिए चरक संहिता का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल एंड जॉइन हैंड्स विद अस टू रीच आयुर्वेदा टू एज।